नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ शशांक शर्मा। आज हम जानेंगे मेल इनफर्टिलिटी से जुड़ी उस बीमारी के बारे में जिसको हम कहते हैं एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मेल पर्सनालिटी की वो अवस्था है जिसमें शुक्राणु की अवस्था बिल्कुल निल हो जाती है, या यूं कहें कि बिल्कुल खत्म हो जाती है। एजोस्पर्मिया के कोई विशेष लक्षण हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब आप बेबी कंसीव करने की दिशा में विफल साबित होते हैं तब आप एक टेस्ट कराते हैं जिसे बोला जाता है सीमन टेस्ट एनालिसिस। और उसमें आपको जब पता चलता है कि आपके जो स्पर्म की वैल्यू है वो बिल्कुल शून्य हो चुकी है, तब आप जानते हैं कि आप एजोस्पर्मिया की गिरफ्त में हैं। तो अगर आप एजोस्पर्मिया की बीमारी से ग्रसित हैं तो कुछ डाइट प्लान्स लेकर आप इसको बेहतर कर सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो करते हैं शुरुआत कुछ डाइट प्लान के साथ। सबसे पहले आपको लेनी है हरी सब्जियां जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। वहीं आप अगर विटामिन सी से भरपूर फलों का सेवन करता है जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो आपके स्पर्म्स की वैल्यूज को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। अगर आप एग लेते हैं तो एग भी एक सुपर फूड के तौर पर काम करता है जिसमें कई सारे विटामिन के साथ होता है प्रोटीन भी, जो आपकी सेहत के लिए तो लाभदायक होता ही है, साथ ही आपके स्पर्म के वैल्यूज को भी प्लस करता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मछली भी ले सकते हैं। इसके अंदर होता है विटामिन ए बी सी के साथ ही ओमेगा 3 और फैटी एसिड जो आपके स्पर्म की वैल्यूज को बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, जो आपके एजोस्पर्मिया की बीमारी में काफ़ी राहत दे सकता है। अब बात कर लेते हैं उन चीज़ों की जो आपको अवॉइड करनी है। आपको हैवी एक्सरसाइज का यूज़ नहीं करना है। अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप जिम जाने के शौकीन हैं तो आप हैवी वेट एक्सरसाइज का यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही आप लाइट एक्सरसाइज का यूज़ कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन को अपना सकते हैं। अगर आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत है तो आप उसको बिल्कुल अवॉइड करें, आप उसे बिल्कुल बंद कर दें। और साथ ही हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप एजोस्पर्मिया की बीमारी से पीड़ित हैं और आप निराशा से भर चुके हैं तो आप भारत होम्योपैथी डॉक्टर्स की टीम से संपर्क कर सकते हैं, जो आपको एक नई राह दिखा सकती है आपके संतान उत्पत्ति की दिशा में। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।